बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम है मोहसिन कुमार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इटली। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बड़ा ही स्पेशल होने जा रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इटली में फ्लूसी और इमिग्रेशन और पता नहीं किस किस नाम से इसको पुकारा जा रहा है, उसका बहुत वावेला यहाँ इटली में भी, पाकिस्तान, इंडिया और तकरीबन आधी दुनिया में इसका जो वावेला है वो मचा हुआ है। उसकी हकीकत क्या है, वो कैसे अप्लाई करना है, वो क्या चीज है, क्या क्या चीजें, क्या क्या जो उसमें शामिल हैं हमारे शोबाजात, उस पे आज हम लोग बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे खुर्रम सिद्दीकी साहब, जो के इस चीज के माहिर हैं और इनको ये कंसल्टेंट भी है यहाँ पे, और तकरीबन आधे इटली में इन इनके जो सेंटर्स हैं वो काफ सेंटर्स वो चलते हैं। तो बगैर ताहीर के अभी हम इनसे बात का आगाज करेंगे। जी हुरम भाई, क्या हाल चाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? ठीक सबसे ठाक पहले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका हुरम भाई के आपने मैंने आपको दावत दी और आपने कबूल की आज की। और आज आवाम के बहुत सारे जो सवालात और मसाइल हैं वो हल होने वाले हैं इंशाल्लाह। सर शुक्रिया आपका। और वो कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते किसी ना किसी को तो जो है वो स्टेप जिसको लेना कहते था। हैं ना याद आनी ही थी कि जिसको कहते हैं ना कि आप कंसर्न्ड जो बंदा होता है आपका फील्ड से, आप उसको बुला के उस बंदे से जो है इंफॉर्मेशन लो, जो जिसको कहते हैं ना अथेंटिक इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं। क्योंकि जो आजकल हो रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कोई डॉक्टर स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, वो जिसको कहते हैं ना बड़ी बड़ी खूबसूरत किस्म की इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं लोगों को, और बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर लोग जो है वो हमें कॉल करते हैं और हमसे पूछते हैं। खैर अभी तो वीडियो शुरू हुई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी आगे आएंगी। बाकी जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये है कि आपकी किसी भी किस्म की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आपका कोई भी सवाल हो तो आप लोगों करो और उसका जवाब इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी आपको वो जवाब दे कर जाओ यहाँ से। जी, इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हुरम भाई ये बताएं कि ये जो फ्लूसी खुली है, इस ये क्या चीज है, किन लोगों के लिए है और इसका मकसद क्या है, उस पे थोड़ा सा हमें वो बताएं। फ्लूसी जो इस साल ओपन हुई है, तकरीबन ये हर साल ओपन होती है, ठीक है। 2002 के अंदर जो है फ्लूसी ओपन होनी शुरू हुई थी। बेसिकली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि इलीगल एंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है ऐसा कोई इकदाम करना शुरू कर देते हैं कि हर साल हम दुनिया में से बंदे यहाँ पे लीगली बुला लिया करें। फ्लूसी में यह होता है कि फ्लूसी दो किस्म की होती है, एक होती है सीजनल और एक होती है नॉन सीजनल, ठीक है। सीजनल फ्लूसी के अंदर ये होता है कि आप जो है यहाँ पर आते हो, 3 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने काम करते हो और उसके बाद अपने मुल्क में वापस चले जाते हो। और नॉन सीजनल में ये होता है कि आपके जो मालिक आपको अप्लाई करते हैं वो आपका कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का करते हैं कि आपको यहाँ पर बकायदा उस बेस के ऊपर रेजिडेंट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिस बेस पे आप यहाँ पर सेटल होते हो। ये दो किस्म की फ्लूसी होती हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स हैं, वो हम आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे। फ्लूसी अलबत्ता है वो ये दो किस्म की होती है, सीजनल और नॉन सीजनल। और इस दफा जो है 2020 के अंदर सीजनल भी ओपन हुई है और नॉन सीजनल भी ओपन हुई है, दोनों फ्लूसी इसमें जो है ओपन हुई है। जो अभी जो हमारा मेन मकसद है वो तो है, हम लोग कंसर्न हमारा पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के साथ हम लोग इसकी बात करेंगे, उन उन तक हम लोग रहेंगे। तो ये जो नॉन सीजनल है और सीजनल है, क्या इन दोनों में पाकिस्तान का कोटा मौजूद है और इसमें क्या क्या शोबे हैं? जी हम बात करते हैं पहले नॉन सीजनल की। नॉन सीजनल, ओ वैसे मैं ये पहले बात क्लियर कर दूं कि नॉन सीजनल और सीजनल दोनों के अंदर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का कोटा मौजूद है, ठीक है। दोनों
जो फ्लूसी हैं इनके अंदर बंदा जो है वो पाकिस्तान से यहाँ पर आ सकता है अगर आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो। उसकी जो कंडीशंस हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और शोभा जात जो है इसके अंदर नॉन सीजनल के अंदर तीन शोभा जात हैं, उसके अंदर एक है ट्रांसपोर्ट का, दूसरा है कंस्ट्रक्शन का और तीसरा है होटलिंग का जो बिजनेस है। ये तीन शोभा जात में यहाँ पर जो काम जो बिजनेस करने वाले बंदे हैं वो पाकिस्तान से यहाँ पर बंदे बुला सकते हैं। उसके अलावा इसी नॉन सीजनल के अंदर और दो तीन ऑप्शंस हैं जिसके अंदर प्रोफेशनल वीजाज हैं कि आपकी जो वहाँ पर प्रोफेशन है, जो आपकी जो पढ़ाई है, ठीक है, वो आप यहाँ पर आके उसको कंप्लीट कर सकते हैं, डॉक्टरेट कर सकते हैं उस बेस के ऊपर। उसके अलावा आपका जो है जो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं वो अपनी अगर सजोर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट जो उनको मिला हुआ है वो भी नॉन सीजनल के अंदर ऐड हुए हुए हैं। उसके अलावा जो बंदे बिजनेस करना आना चाहते हैं यहाँ पर इटली के अंदर वो भी नॉन सीजनल के अंदर ऐड है। सीजनल के अंदर हमारे पास दो सेक्टर हैं। सीजनल वीजा जो है वो 3 से 6 महीने तक का होता है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास दो सेक्टर हैं। उसमें एग्रीकल्चर है यानी कि जो खेती बाड़ी का काम होता है, और उसके अलावा होटलिंग का बिजनेस है जिसमें पिसेरिया, पिज्जा बनाने वाले, कुक्स और वेटर्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो सारी ऐड होती हैं। तो ये सेक्टर्स हैं जिनके अंदर इस वक्त फ्लूसी जो है ये ओपन हुई है। तो मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन की आपने बात की है, कंस्ट्रक्शन ये किस लेवल का कंस्ट्रक्शन बंदे का होना चाहिए, जो बिजनेस में जो कंस्ट्रक्टर है उसको किस लेवल पे होना चाहिए, यानी कि उसके कितना एक बड़ा जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी होनी चाहिए। और दूसरा ये कि ये जो कंस्ट्रक्शन का वीजा है, क्या इसमें पाकिस्तानी अगर शामिल हैं तो वो कैसे, मतलब क्या प्रोसीजर होगा उनका, और किस कैटेगरी के लोग जो है वो उसमें आ सकेंगे? देखें, आप डायरेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन पे गए हैं। कंस्ट्रक्शन का मैं आपको चीज़ एक क्लियर कर दूं, बेसिकली फ्लूसी में ये चीज़ कंफर्म और जो दिक्रेतो आया है या जो गजेता ऑफिशियल आया है उसके अंदर ये चीज़ें इतने डिटेल से नहीं लिखी हुई, ठीक है, कि जी कंपनी इतनी बड़ी हो, कंपनी की इतनी इनकम हो, आप इतने बंदे बुला सकते हो, इतने बंदे रख सकते हो, ये किसी किस्म की इंफॉर्मेशन कहीं नहीं लिखी हुई, ठीक है। और कितनी बड़ी कंपनी हो वो सब जो है उन लोगों ने बेस कर दिया है सिर्फ और सिर्फ एक कोड के ऊपर। जब आप यहाँ पर कंपनी ओपन करते हो तो गवर्नमेंट आपको एक कोड इशू करती है कि आप इस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो, उसको कहते हैं कोडिचे अतेको, ठीक है। अगर आपकी कंपनी का कोडिचे अतेको उस लिस्ट में जो फॉर्म के ऊपर दिया हुआ है, जब हम लोग फिल करने जाते हैं वो फॉर्म, उस फॉर्म के ऊपर अगर आपकी कंपनी का कोडिचे अतेको दिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी बंदे को पाकिस्तान से। वहां से आने वाले बंदे का क्या क्राइटेरिया है, बेसिकली ये भी चीज जो है मेंशन नहीं की गई कि जी आप लोग जो है वहां वाले बंदे के पास एक्सपीरियंस हो इस काम का, ये करता हो वो करता हो, ये सारी चीजें जो है ये बाद वाला कंसर्न है कि ये बाद में आपसे जब आप वीजा अप्लाई करोगे, जब आपका नो लॉस्ता यहाँ से निकलेगा वीजा अप्लाई करोगे उस वक्त आपसे एम्बेसी पूछ सकती है, ठीक है। तो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर तो ये एक्सपीरियंस लेटर्स और ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है, वो एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह बंदे ले लेते हैं कि जी हमने ये काम किया है, तो वो बड़ी दूर की बात हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग बाहिर ये अभी डिस्कस करें जो अभी मेन पॉइंट है कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस कितना बड़ा हो, मैं आपको इससे अंदाज़ा लगा बता सकता हूँ कि मैं कल एक फाइल फिल कर रहा था, क्योंकि फिलिंग शुरू हो गई भी है, 22 तारीख को हम लोगों ने जो है ये प्रातिके जो है वो सेंड करने हैं 9 बजे से, और उस फाइल के अंदर फिलिंग करते हुए मेरे एक दोस्त हैं, उनकी एक कंपनी है, वो पेंट का काम करते हैं यहाँ पे। नॉर्मल उन्होंने एक छोटी सी कंपनी खोली, वे अकेले काम करते हैं, वो जाके पेंट करते हैं घरों के अंदर ना, उस कंपनी का भी कोडिचे अतेको जो है वो लिस्ट के अंदर शो हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज जो है ये मेंशन नहीं की हुई, कंपनी कितनी बड़ी हो, कंपनी कितनी पुरानी हो, ये भी मेंशन नहीं किया हुआ। अब वहां पे क्लियर कट ये ऑप्शन आ रही है कि अगर आपके पास कंपनी इस साल में ओपन हुई है या आपको 1 साल का अरसा नहीं हुआ कंपनी को ओपन किए हुए,
तो आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जो आपका कमर्शियलिस्ता है, आप उससे अपना पुरसुन तो रेडी तो, यानी के आप अपनी जिसको कहते हैं ना एक ब्लांचो इनकम आप बिला इनकम उनसे बनवा लो कि जी मेरी इतनी इनकम होगी साल के एंड के ऊपर, ठीक है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बैलेंस शीट या फिर हाँ, एक्सपेक्टेड इनकम। एक्सपेक्टेड इनकम जो है ना वो आप बना सकते हो अपने उससे कमर्शलिस्ट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कि जी हम लोगों को ये एक्सपेक्टेड इनकम जो है ना हमारी वो बना के दो, आप उस बेस के ऊपर भी दुमांदा कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैं एक और चीज क्लियर करता चलूँ, जब डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, तो के लाजमी नहीं है बंदे के पास जो है वो चिता दिनांक सहितरियाना हो, ठीक है। अगर आपके पास सुजोर है, ये भी लाजमी नहीं है कि आपकी सुजोरनो जो है वो कार्ता की हो या लोंगो पीरियड हो, जो सी मर्जी है, ये भी लाजमी नहीं है कि आपकी सुजोरनो वैलिड हो, ठीक है। आपके पास अगर रिची वूता भी है और आपकी जो है सुजोर जो है वो सबमिट हुई हुई है और आपकी यहाँ पर कंपनी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी बंदे को, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश से, बात हम लोग 3 कंट्रीज की कर रहे हैं, तो इसलिए तो ये कंस्ट्रक्शन का जो है वो सारा लुबे लुबाब है। उसके बाद आ जाता है जो है ट्रांसपोर्ट का सेक्टर। ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में हमारे कुछ मोहतरम भाई हैं, उन्होंने बड़ी जो है वो अजीबोगरीब सी इंफॉर्मेशन फैलाई हुई है कि आप लोगों के पास, अगर आप पाकिस्तान में रहते हो और आपके पास जो है हैवी ड्यूटी सऊदीया का लाइसेंस। लाइसेंस है या दुबई का लाइसेंस है या किसी और मुल्क का या यूके का लाइसेंस है, मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लेता हूँ, यूके का लाइसेंस है आपके पास, फ्रांस का लाइसेंस है, तो आप लोग यहाँ पर इटली में आ सकते हो। नहीं भाई, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, दो तरह के बंदे हैं फ्लूसी के अंदर हमेशा, एक जनरल एक बात करते हैं, एक वो होता है जिसने अप्लाई करना होता है, एक वो होता है जिसने आना होता है, ठीक है। अप्लाई करने वाला पाकिस्तानी हो सकता है, अप्लाई करने वाला पाकिस्तानी हो सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के शोबे के अंदर यहां पर आने वाला पाकिस्तानी इंडियन वर्कर होगा जो पंजाबी होगा नहीं हो सकता, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के शोबे के अंदर आप लोग अप्लाई पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश से नहीं कर सकते बंदा, उसकी वजह यह है कि हमारे जो जो लाइसेंस हैं वो यहाँ पे कन्वर्टेबल नहीं है। तो इस बेस के ऊपर लोगों को शायद गलत फहमी हो रही है कि जी ठीक है मेरे पास तो फ्रांस का लाइसेंस है, बेशक मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, मेरे पास फ्रांस का लाइसेंस है, मैं अप्लाई कर देता हूँ। नहीं, जब आप लोग अप्लाई करने जाते हो उस फॉर्म के ऊपर, तो वहां पर वो 6 मुल्क देता है सिर्फ, कि ये 6 मुल्क के नेशनल्स जो हैं ये इटली में आ सकते हैं ट्रांसपोर्ट के वीजे के ऊपर। उन 6 मुल्कों में आता है अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनिस, उसके अलावा आता है मैसेडोनिया द नॉर्थ, श्रीलंका श्रीलंका। और श्रीलंका श्रीलंका आता है, और उसके अलावा जो है छठा मुल्क है उसके अंदर मोल्दाविया। ये 6 मुल्क ऐसे हैं जहां से आप बंदा यहाँ पर बुला सकते हो, चाहे आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो, आपके पास अगर ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर जिंदा है तो इन 6 मुल्कों से आप बंदा बुला सकते हो, अगर उस बंदे के पास G-A level का लाइसेंस है, लाइसेंस हो ठीक है, तो वो यहाँ पे आ सकता है। तीसरा सेक्टर जो आ जाता है हमारे पास नॉन स्टेजनल यानी कि नॉन सीजनल वीजे के अंदर, वो आता है होटलिंग का। 2 दिन पहले तक अच्छा, इसमें होटलिंग जो है ये एल्बेर्गो है या फिर ये जो नॉर्मल रेस्टोरेंट, ये डोनर कबाब वगैरह और इस तरह की ये जो चीजें हैं सारी, ये छोटे छोटे बने। मैं आपको ये चीज क्लियर करने लगा हूं, 2 दिन पहले तक अगर आप उससे पूछते ना, तो फॉर्म जो शो हो रहा था, क्योंकि मैं गजेते के ऊपर बिलीव नहीं करता, ठीक है, कि जो गजेता ऑफिशियल आता है, जो वो लेक्चर देते हैं कि जी ये चीजें हैं आपने इस हिसाब से अप्लाई करना है, जो हमारे भाई जो हैं वो जिनको बहुत ज्यादा इटालियन आती है वो पढ़ के तो वहां पे जो है वो शो हो जा शुरू हो जाते हैं कि जी ये चीज आ गई है जी, हम बिल्कुल लोग। ऐसा ही है। और मैंने भी जब वो खोल के देखा ना, तो जब वो मुलावस्ता वो वेबसाइट से, तो उसमें चीजें कुछ और थी। हाँ, तो उसमें ये होता है, क्योंकि हमारे भाई हम लोग जब पढ़ने भी जाते थे कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यही होता था कि जो हमने आज तक पढ़ा है वो हमें फील्ड के ऊपर नहीं मिला, ठीक है। होता क्या है कि ग्राउंड रियलिटीज और होती हैं, जब आप अप्लाई करने जाते हो ना, ठीक है, तो 2 दिन पहले तक फॉर्म के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अल्बेर्को के कोडिचे को शो हो रहे थे, जिन होटल्स के अंदर आपके पास कमरे हैं, ठीक है, जो टूरिज्मो वाले हैं,
जहाँ पे टूरिस्ट आके रह सकते हैं, इस तरह के जिनके पास होटल थे उनके कोदीचे अतेको शो हो रहे थे। लेकिन अगर आप बात करें जुम्मे वाले दिन की, जुम्मे वाले दिन मैंने स्पेशल जो है, मेरे जो दोस्त हैं जिनके यहाँ पर छोटे छोटे पिज्जा शॉप्स हैं, डोनर्स हैं, बार हैं, उनके मैंने विजूरे मंगवाए सिर्फ चेक करने के लिए कि आया कि इस लिस्ट में इनके नाम है कि नहीं। और उस लिस्ट के अंदर उन सब के कोदीचे अतेको शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि डोनर वाला हो गया, पिजेरिए वाला हो गए, अगर आपके विजूरे के ऊपर कोदीचे अतेको है तो आप वो कोदीचे अतेको जो है वो चेक करवाओ विजूरे के थ्रू। उस विजूरे का कोदीचे अतेको जो है वो हम लिस्ट में चेक करेंगे, अगर आपका कोदीचे अतेको है तो आप अप्लाई करो। ठीक है, आप ये ना देखो कि आपका एक छोटा सा डोनर है, आपका एक छोटा सा पिसेरिया, नहीं, अगर आपका कोदीचे अतेको शो हो रहा है देन गो फॉर इट, यानी कि अपना अप्लाई करो उस डिमांड देखो। और उसके अंदर या इसके अंदर इस सेक्टर के अंदर कुक भी आ सकते हैं, सेक्टर में जो है वेटर्स भी आ सकते हैं, मेंशियोने दी लवोरो उन्होंने दिया हुआ है कि आप किस पोस्ट के ऊपर इस बंदे को जो है अपने पास रखना चाहते हो। तो ये दो सेक्टर हैं हमारे पास नॉन स्टाजो नाले के अंदर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट निकल गया तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस और जिसको कहते हैं दूसरी जो ऑप्शन हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है होटलिंग में, रेस्टोरेशन रेस्टोरेंट्स वगैरह में। तो ये दो ऑप्शंस हैं जिनके अंदर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं नॉन स्टाजो नाले में। अब चलते हैं स्टाजो नाले वाली साइड के ऊपर जो सीजनल वीजाज हैं। अभी तक जो मैंने बात की वो नॉन सीजनल वीजाज की थी, वो वीजाज की थी कि जो यहाँ जिन बेस के ऊपर आपको यहाँ पर कंफर्म पक्के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जिसको उर्दू जुबान में आप कह सकते हो पक्के डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वो थी। अब आ जाते हैं सीजनल वाली साइड के ऊपर स्टाजो नाले, जिसके अंदर आपको 3 से 6 महीने की सुजोर मिलेगी। ठीक है, तो बुरी खबर है वो ये है कि उस के अंदर पाकिस्तान का नाम है, उस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम भी है, इंडिया का नाम भी है, बांग्लादेश का नाम भी है। कल मैं एक साहब का इंटरव्यू देख रहा था, वहां पे मैंने एक कमेंट भी किया कि जी ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये गलत है, तो वो साहब ने मुझे लाइव कह दिया था कि जी आपको क्या पता, बेसिकली वो मुझे जानते नहीं थे। तो मैं आपको इस टाइम पे आपके चैनल के तो अच्छा तरफ खुरम से, भाई, माजरत के साथ, आप जो है ना वो थोड़ा सा अपना तारफ भी जो है वो आवाम को करवा दे, ताकि पता चले कि आप ये बातें क्यों कर रहे हैं और आपकी जो बात है उसमें अथेंटिसिटी कितनी है। भाई अपने मुंह या बुट्ठू मरने वाली जो बात है ना वो मेरे से होती नहीं है। मैं एक छोटा सा अपना बता देता हूँ कि मैं एक वाहिद गैर मुल्की हूँ, मैं पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा। अभी तक मैं एक वाहिद गैर मुल्की हूँ, यानी कि जितनी भी कम्युनिटीज हैं यहाँ पर इटली में, पूरे इटली में एक वाहिद गैर मुल्की हूँ जिसके पास चेंत्रो आउथोरिजातो काफ है, यानी कि मेरे पास ऑथोराइजेशन है किसी भी बंदे को उसके नाम के ऊपर मैं काफ का ऑफिस पूरे इटली में कहीं पे भी खोल के दे सकता हूँ। ठीक है, यानी के हमारे पाकिस्तानी भाई काम कर रहे हैं काफ का, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन लोगों ने जो है इटालियंस के साथ मिलके कर रहे हैं, उन लोगों ने कोड्स लिए होते हैं, क्योंकि जब काफ का काम करना होता है ना उसके अंदर आप कोड लेते हो गवर्नमेंट से कि जी मैं इस बंदे के थ्रू जो है अपना स्पोर्टेलो ले रहा हूँ और मैं इस पोर्टेलो के ऊपर काम करूंगा। ठीक है, तो मैं जो हूं मैं एक चेंत्रो हूं, मैं स्पोर्टेलो नहीं हूं। ठीक है, जिस तरह सिजल है, जिस तरह चिजल है, जिस तरह सीजीएल है, हम लोग जो हैं काफ नेशनल दल लवोरो हैं, सीएनडीएल, और मैं सीएनडीएल का चेंत्रो आउटोरिजातो काफ हूँ, वाहिद गैर मुल्की हूँ जिसके पास चेंत्रो आउटोरिजातो है। ठीक है, और मेरी बात में क्या ऑथेंटिसिटी है ये मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है भाई से बात भी हो रही थी शाम को, तो मैंने इनको भी ये मिसाल दी थी कि बेसिकली होता ये है कि जो गवर्नमेंट के लॉज होते हैं ना और जो गवर्नमेंट के जो लहजे निकालती है गवर्नमेंट, ठीक है, वो किस तरह से होते हैं, वो एक आप देचकी लें ना, एक पेंतोला, उसके अंदर पानी डालें या दूध डालें, उसके ऊपर जो मलाई रख दें, आप पानी के ऊपर भी मलाई रखें ना तो उसने ऊपर ही रहना है। ठीक है, तो लॉज जैसे ये होता है। वो कुरम भाई, जैसे वो मदारी वाले होते हैं मेले में और वो कहते हैं कि ये सांप जो है वो फूंक मारेगा और ये पत्थर टूटेगा,
और वो सारी अपनी जो मेडिसिन वगैरह होती है, दवाइयां होती है, कीमत वो सारी वो बेच बेच के देते चले हैं। जाते हैं, और हाँ वाम सारी जो है वो सांप के फूंक को देखती रहती है। तो उसमें यह है कि मलाई जो होती है ना ऊपर वाली, वो होते हैं जो लॉज आप लोग पढ़ते हो, ये मैं उन भाई को बता रहा हूँ जिन भाई ने कल ये बात की थी, ठीक है। वो लॉज होते हैं जो आप पढ़ते हो, उन लॉज के नीचे, मलाई के नीचे क्या है, दूध है या पानी है, वो आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। वो वही लोग जानते हैं जिन्होंने उस देचकी को भरा है, ठीक है। यानी कि जो ये देचकी में से पानी, जो देचकी में हाथ डाल के वो निकालते हैं, हम लोग वो हैं जो हम लोग ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बैठे हुए हैं, हम लोग जो है मार्केट में बैठे हुए हैं। हम लोग जब लेक्चर पढ़ते हैं तो उसके बाद सुबह तो जाके हम लोग उसी वक्त जाके हम लोग फॉर्म ओपन करते हैं, और फॉर्म में देखते हैं कि भाई जो लेक्चर आया है क्या वो चीज इसके ऊपर लिखी हुई है कि नहीं। अब जिस तरह से बहुत देर पहले, अभी 3-4 महीने पहले जो सनातोरिया ओपन हुई थी, उसके अंदर लोगों ने रोला डाल के रखा हुआ था 27,000 का, रेडी तो 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, लोग वकीलों को भी ला के बिठा रहे थे, वो भी 27,000 लगे हुए थे। मैं पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक जितने भी दुमांदे किए हैं 20,000 पे किए हैं। मैं आपके चैनल के तवस्सुल से ये भी बता दूं कि जिन बंदों के मैंने दुमांदे किए थे उनमें से 3 बंदे मिलान के अंदर अपनी किट्स भी लेके आ गए, ठीक है, बहुत आगे अपनी किट्स भी लेके आ गए। बेसिकली बात ये होती है कि आप, हम लोग जो हैं वो भागते हैं जो है वो शोशा के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर जो हम लोगों को दी जा रही होती है, लेकिन हम लोग उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती। मैं हमेशा अपनी जो मेरा मेरा अपना चैनल भी है यूट्यूब पे, अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी मैं जब लाइव जाता हूँ मैं हमेशा ये बात करता हूँ। उसमें मैंने सिर्फ हमेशा एक बात की है कि आपके इर्द गिर्द कितने काफ के ऑफिसेज हैं, पत्रोनाथो बैठे हुए, हमारे अपने लड़के जो हैं वो काफ का काम कर रहे हैं, आप लोग उनके पास जाओ, उनसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लो। आजकल क्या हो रहा है कि सहाफी बरादरान जो हैं वो काफ का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कव्वा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो उसमें ये होता है कि आप लोग जब इंफॉर्मेशन को गलत देते हो, या ये जो हमारे साहब बहादुर लगे हुए हैं जो भी हैं सारे, ये जब गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो लोग हमें कॉल करते हैं, हमें कॉल करके कहते हैं जी आपको कुछ नहीं पता, हमें सब कुछ पता है। लेकिन बेसिकली बात ये है कि वो इतना फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को कि वो लोग कहते हैं जी जो उन्होंने कह दिया, पता नहीं वो लोग क्या है कि रात को सोते हैं और उनको ख्वाब आता है तो सुबह उठ के वो कहते हैं कि जी फलाना बोनस आ गया। हमारे यहाँ पे पास ही में लुमिजाने में ना एक पैसा रोमा है, तो लोग कहते हैं कि जितने भी बोनसेस है ना वो पैसा रोमा के अंदर बनते हैं। तो जो है ना लोग वहां पे बैठ के डिस्कस करते हैं, एक बंदा कोई चुटकुला छोड़ देगा, यार फलाना बोनस आ गया 500 यूरो का, चलो जी काफ के ऑफिसों में दौड़ लगा दी, 500 का बोनस आ गया। वो नहीं आया होता, नहीं आया होता, लेकिन यह है कि वो एक ख्वाब आता है बंदे को। ख्वाब किस तरह आता है कि जी वो लोग अभी उसको पेश करते हैं कि इस तरह का बोनस होना चाहिए, ठीक है, गजेता अनऑफिशियल के अंदर पेश करते हैं, और साथ ही हमारे बंदे कहते हैं लो जी बोनस आ गया। उसके बाद जो हमारी होती है वो हमें पता है, फोन पे फोन, कॉल्स पे कॉल, सारे है, हो गया हो गया, आज आखिरी दिन में, आज पता नहीं अगली सांस ही नहीं आनी बंदों को। तो ये चीजें हैं जो है ना, मैंने हमेशा ही बात की है कि आप लोग ऑथेंटिक बंदों के पास जाके इंफॉर्मेशन, मैं ही नहीं कहता आप लोग मेरे पास आओ, आप लोगों के इर्द गिर्द कितने काफ ऑफिसेज हैं जो है हर हर शहर के अंदर, हर शहर के अंदर इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं वो अपने ऑफिसेज बनाकर बैठे हुए हैं, इंडियन बना के बैठे हुए हैं, बांग्लादेशी बना के बैठे हैं, उनके पास जाओ, उनको उनसे एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लो। उन ऐसे लोगों को फॉलो ना करो जो लोगों को खुद भी नहीं पता, जो अपने सिर्फ टीआर या पीआर बनाने के लिए जो है वो उन्होंने अपना वो जो है वो काम शुरू किया हुआ है, वो चक्कर नहीं है। वापस जो है अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, स्टाजोनाले के ऊपर मैं बात करने लगा था, सीजनल वीजे के ऊपर। बुरी खबर ये है कि सीजनल वीजा जब आप अप्लाई करने जाते हो तो उसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का नाम है, बंदे आ सकते हैं यहाँ, लेकिन उसके अंदर शर्त है। वो शर्त ये है कि कोई भी बंदा, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स उसके अंदर दिए हुए, मालिक को जब हम लोग नुमाइंदा करने जाते हैं ना सीजनल वीजे का, तो वहां पे ऑप्शन देते हैं प्लूरीएनाल है, यानी कि आप इस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट 2 साल से ज्यादा का करना चाहते हो, या दिया होता दिया भी ऑप्शन नॉन प्लूरीनल है कि 2 साल से काम करना चाहते हो। जब आप
क्लोरीन वाले क्लिक करते हो ना, तो वो आपको कहता है कि ये बंदा पिछले 5 सालों में इटली में आकर काम करके आपके पास वापस गया। मैं रिपीट करूंगा, ऑप्शन ही आती है कि ये बंदा सीजनल वीजे के ऊपर इटली में आया हो, काम किया हो और वापस चला गया हो। अगर आप नॉन प्लूरियन आले क्लिक करते हो तो उसके अंदर दो ऑप्शन आती हैं कि पिछले 5 सालों में ये बंदा इटली में आया है, इसने आपके पास काम किया है और वापस चला गया है। और दूसरी ऑप्शन ये आती है कि ये बंदा पिछले 5 सालों में इटली में आया है, इसने किसी और मालिक के पास काम किया है और वापस चला गया। अच्छा, तो ये शर्त मेरे होगी हिसाब कि अगर आपको ये शर्त जो आप कह रहे हैं, ये जिसने 2 साल का वीजा लेना है उसके लिए, या फिर ये कोई भी जो अप्लाई करने जा रहा है अभी इस, मतलब अगर वो 9 महीने के लिए या क्या? मैं सीजनल वीजे की बात कर रहा हूँ। नॉन सीजनल में जो मैंने दो सेक्टर्स आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, जिसके अंदर होटलिंग का सेक्टर और जिसके अंदर जो है कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, उसके अंदर ये शर्त नहीं है। उसके अंदर कोई भी बंदा इटली में आ सकता है, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ 6 महीने वाली सुजोर की, 3 महीने वाली सुजोर, जिसके अंदर दो तीन जो है आप लोग 2-3 महीने के लिए यहाँ पर आओगे, काम करोगे, वापस चले जाओगे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके अंदर 18,000 बंदे का कोटा है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास ग्राउंड रियलिटीज के अंदर फॉर्म के ऊपर ये ऑप्शन आ रही है, वो कल को खत्म हो जाती है या वो रहती है, मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल तक, अभी तक सीजनल वीजे में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 महीने वाले या 6 महीने वाले जो वीजाज हैं, उसमें आप लोग अप्लाई फिलहाल नहीं कर सकते। कोई भी बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं, पर्सनली मुझे 5 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, मैं पर्सनली किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता जो इटली में आया हो, उसने 3 महीने और काम किया वापस और वापस चला चला गया, ठीक है। गया। तो मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं बंदा मिलेगा, शायद आगे चल के ये शर्त जो है इसमें से निकाल दें। लेकिन फिर भी हमारे पास नॉन सीजनल के अंदर दो बहुत बड़ी ऑप्शंस हैं। हम लोग बड़े परेशान हो रहे थे कि ट्रांसपोर्ट निकल गया है तो पाकिस्तानी किस तरह से बंदों को बुलाएंगे, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो डोनर कबाब वालों के जो जो विजूरे हैं और कंपनीज हैं, और जो पिजेरिए वालों की कंपनीज हैं, जिनके लड़कों के पास बार्स हैं अपनी, जिनके पास रेस्टोरेंट्स हैं, इनके कोड शो हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन आपके पास बढ़ गई है, ठीक है। तो आप इस जी जी ये हुरम भाई, उतार सकते मैंने भी हैं। ना जुम्मे से पहले मैंने वो सारा निकाला था, तो वाकई उसमें नहीं थे जुम्मे, मतलब जुमेरात से लेके अभी तक मैंने उसको दोबारा नहीं फिर देखा। तो नहीं, अभी जुम्मे मैं को थोड़ी मैंने देर तो पहले, किए हैं, जी हाँ जी, जुम्मे को जी मैंने थोड़ी तो देर किए पहले थे। मैं, जी हुरम भाई, मैं ना थोड़ी देर पहले अभी था इधर अनकोना में, एक डोनर कबाब है वहां पे था, तो उस वो जो भाई है वो कहते हैं क्या हमारा कोटा मौजूद है, तो मैंने उसे कहा था कि मैंने अभी तक तो नहीं देखा उसमें। मैंने जो पहली वीडियो मतलब जो सरसरी सी बनाई थी वो यही बताया था कि एल्बर्गो में, और मतलब जो सारा कुछ आपने बताया, क्योंकि वो उधर तभी वो ही शो हो रहा था। तो अगर अब भी शो होता है तो ये आप सबके लिए खुशखबरी है, ये जो हमारे डोनर कबाब वाले दोस्त हैं, तो जो इनके छोटे रेस्टोरेंट्स हैं वो भी, तो इस प्रोग्राम के तवसल से उनके लिए ये खुशखबरी है कि वो इसमें आ चुके हैं। अगर तो मैंने भी उसे यही कहा कि मुझे अपना जो विजूरा है वो भेज देना, कामरान इकमल जो विजूरा और सारा, तो फिर मैं चेक करके कल बता सकता हूँ कि क्या आप इसमें लाए करते हैं या नहीं। तो बिल्कुल। सही है मैंने और सही लगा। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अप्लाई करना है, जो हमारे भाई इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए फ्लूसी के अंदर, अपने किसी कजन को, दोस्त को, भाई को, जिसको भी आपने अप्लाई करना है, तो आप लोगों के पास टाइम है भाई 22 तारीख तक, ठीक है। आप लोग ये ना देखो कि आप लोगों के पास 31 दिसंबर तक का टाइम है। 22 तारीख तक अगर आप लोग अपनी फाइल फिल करवा कर किसी पत्रोनातो या काफ के पास रखवा देते हो, ठीक है, और 22 तारीख को 9 बजे आप उसको भेज देते हो, ठीक है, तो शायद आपका चांस है ये वीजा निकलने का। क्यों? क्योंकि ये होता है कोटा सिस्टम, और इसको आप इस तरह भी कह सकते हो, लॉटरी वाला पहले आइए सिस्टम, पहले पहले पाइए। आइए पहले पाइए वाला चक्कर रहता है इसके अंदर। तो कोटा थोड़ा है, और इस कोटा जो ये फ्लूसी है, इसके अंदर जो है
मैक्सिमम घंटे 2 घंटे की गेम होती है, उसके बाद जो है वो कोटे पूरे हो जाते हैं, फिर वो वैल्यूएशन पे आ जाते हैं कि जी कौन से डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होंगे, कौन से एक्सेप्ट होंगे। तो ये चीज़ें जो है ना बेसिकली नोट रखें, 2-3 दिन है आपके पास, आप लोग अपनी फाइल्स फिल करें। स्पिड आप लोगों को चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए नॉर्मल, और जो है किसी पत्रोनातो काफ के पास जाएं, जाके अपना दुमांदा जो है वो फिल करके रख लें। और जैसे ही आपका 22 तारीख को 9 बजे, अगर आप लोग खुद भी अपने मोबाइल से भी आप इनवीआरए कर सकते हैं, ठीक है, कि आप पत्रोनाथ के ऊपर नहीं भी ट्रस्ट करते हो, तो आप अपने मोबाइल से इनवीआ कर दो अपना दुमांदा, कोई मसला नहीं है उसको, ठीक है। लेकिन कोशिश करें आप लोगों के जो हैं वो पहले 2-3 घंटे के अंदर या पहले दिन के अंदर 22 तारीख में आप लोगों के प्राथी के जो हैं वो इनवीआ हो जी जाए। बिल्कुल, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा अपने सारे दोस्तों को कि जितना ये जो बंदे हमारे जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लाइव प्रोग्राम को, उनसे सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी जो है वो आप शेयर कर दें, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और उतने ही ज्यादा हमारे जो लोग हैं वो इसमें हिस्सा ले सकेंगे कि 22 तारीख से पहले पहले ये जो डोनर कबाब वगैरह और ये सारे जिनका ये कोटा है नॉन सीजनल वाला, तो उनके लिए जरूरी है कि प्री एनरोलमेंट इन्होंने इसीलिए रखी हुई थी। मैंने कुछ बंदों को ये मशवरा दिया था लेकिन उन्होंने मेरी बात जो है वो मजाक में टाल दी। मैंने यही कहा था कि ये प्री एनरोलमेंट इसलिए रखी हुई है ताकि आप अपनी फाइल बना के रख लें, जैसे ही 22 अक्टूबर की सुबह 9 हो तो उसको इनविया कर दें, ताकि पहले आइए और पहले पाइए की बुनियाद पे जो बंदे पहले इसको इनविया कर देंगे उसकी फाइल चेक करके उनका लिस्ट में भी पहले नंबर होगा। तो जितने दोस्त हमारे ये सुन रहे हैं उनके लिए ये जरूरी है कि प्री इनरोलमेंट करवा के अपनी जो फाइल है उसको प्री वो बनवा के तो इसको अपना सेव करके रख लें, जैसा ही 22 अक्टूबर की सुबह 9 हो तो इसको क्लिक करना शुरू कर दे। और उस दिन ये भी हो सकता है कि वेबसाइट जो है वो किसी टाइम इतनी बिजी हो जाती है कि उस पे बार बार जो है वो कुड नॉट रीच का जो नेटवर्क का वो भी ऑप्शन आना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको वो काफी देर इंतजार करना पड़ता है। लेकिन उसको आपने अगर ऐसा कुछ होता है तो आपने बार 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 उसको आपने जो है वो करते रहना है रिफ्रेश। तो जी हुरम भाई, मैं जो है जी मैसेजेस जो कमेंट्स आ रहे थे वो देख रहा था। इसके अंदर कई लोग कह रहे हैं एलिमेंट्री शॉप वाले, ज्वेलरी शॉप वाले, उसके अलावा दूसरी तीसरे जो कामों वाले हैं। देखें, अगर आप मुझे कहते हैं ना कि जी मैं एक जो है बॉटल बनाने का काम करता हूँ, ठीक है, ये जो है मरिंडा है, ठीक है, इसकी ये बनाने का काम करता हूँ, तो मुझे बताएं मैं बंदा बुला सकता हूँ? नहीं, मैं इस तरह नहीं बता सकता। आपका जो कंपनी का डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग विजुरा कमेराले कहते हैं, आ उसके ऊपर एक कोडिचे कोड लिखा होता है, कोडिचे अते को, आप लोग जब तक वो चेक नहीं करवाओगे, मेरी आदत नहीं है मैं हवाई इंफॉर्मेशन दूं, ठीक है, तो आप जो है भाई को भेज दो, भाई जो है वो चेक करके आपको बता देंगे कि जी ये कोड जो है लिस्ट के अंदर शो हो रहा है, ये कोड जो है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कई डोनर कबाब वाले जो हैं वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ लिखवाया हुआ है कि हम ये काम करते हैं, उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ डोनर वाले जो हैं वो इस कैटेगरी में ना आए, क्योंकि उनका कोडिचे थे कोई नहीं लिखा हुआ विजूरे कमरा, जी। ठीक है, तो ये हो सकता है। आप लोग अपने विजूरे चेक करवाओ, अपने टाइम आप लोगों के पास कम है। और दूसरा, कुछ लोग सवाल कर रहे थे कितने का वीजा है, कितने पैसे लगेंगे, ये लगेगा वो लगेगा। भाई गवाह देखें, ना मेरी शक्ल किसी एजेंट की तरह की है, ना भाई की शक्ल किसी एजेंट की तरह की है, ठीक है। और जो अगर आपको ये बंदा कहता है कि जी मैंने इतने पैसे दूंगा, इतने लूंगा, तो ये करूंगा तो वो करूंगा, वो आप लोगों को स्वाब है, आप लोग जो करना चाहो करो, ठीक है। लेकिन हम लोग आप लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक ये दे सकते हैं, जिस तरह से काम होता है और जिस तरह से अप्लाई हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं, कौन सी चीजें जो है वो लीगल हैं, कौन सी चीजें जो है इलीगल हैं। बाकी वीजे का इख्तियार ना ही मेरे पास है, ना ही जो है जिस बंदे ने आपका दुमांदा, जिस बंदे ने आपकी रिक्वेस्ट फाइल करनी है उसके पास है, ना ही यहाँ पर जो बंदे जिन्होंने आपका नलोस्ता इशू करना है उनके पास है। वीजे का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान
जो इटालियन एम्बेसी है उसके पास है, उन्होंने ही देना है। ठीक है, आप लोगों का नुलास्ता निकल भी आता है तो आप लोगों ने वहां पर अप्लाई करना है एम्बेसी में। वो एम्बेसी आपको वीजा देती है नहीं देती है वो आप लोगों की स्वाबदीद है, वो आप लोगों का जो है मसला है। हमारा जो काम है वो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन देना है कि कौन सी कंपनी जो है वो लीगल है, कौन सी कंपनी इलीगल है, कौन सी कंपनी आपका दुमाला कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती। हाँ, खेती बाड़ी के सेक्टर के अंदर अगर कोई बंदे आपको ये कह रहे हैं कि जी खेती बाड़ी के सेक्टर में आपको इटली में ले जाते हैं, तो वो कुछ चक्कर नहीं है, खेती बाड़ी के सेक्टर में आप लोग इटली में नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि वो सीजनल वीजे का कोटा है, और सीजनल वीजा जो है मैंने उसकी शर्त आप लोगों को बता दी है। नॉन सीजनल के अंदर सिर्फ दो सेक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस और दूसरा आ जाता है आपका होटलिंग का ट्रांसपोर्ट बिजनेस, बस होटलिंग, होटलिंग और कंस्ट्रक्शन, बस ये दो बिजनेसेस हैं जिसके अंदर आप लोग इटली में आ सकते हो। इसके अलावा कोई दुनिया का बिजनेस नहीं है जिसके अंदर आप यहाँ पर आ सकते हो। हाँ, एक और सूरत है, आप लोगों के पास 5 लाख यूरो हो। ये जो लोग पूछ रहे हैं ना कि जी कितने पैसे लगेंगे, मैं उनके लिए भी बता दूं भाई, 5 लाख यूरो लगेंगे। ठीक है, आप लीगल यहाँ पे आ जाओगे, ये मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, लीगल इंफॉर्मेशन है। 5 लाख यूरो, बिजनेस के वीजे पे पांच इसमें लाख यूरो अच्छा आपके अकाउंट में हो जो आप लोग इटली में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको बिजनेस वीजा यहां से मिल सकता है। ठीक है, जी ये खुरम लीगल भाई, इंफॉर्मेशन। मैंने एक वो था इसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला एक ऑप्शन है जी उसमें, तो वो क्या है वो थोड़ा सा आप जो है हमारी नाजरीन को बता दें। जी सेल्फ एम्प्लॉयड वाली मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर एक ही ऑप्शन जो है वो कंसिडर होती है, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 5 लाख यूरो की जो है वो उन्होंने शर्त रखी हुई है कि आपके पास 5 लाख यूरो हो जो आपने इटली में इन्वेस्ट करना हो। उसके बाद जो है वो डिफरेंट चीजें होती हैं, सेक्टर आप किसी में भी सेक्टर में आके यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, लेकिन यह है कि वीजा लेने के लिए वो आपसे 5 लाख यूरो की डिमांड करते हैं कि आपके पास शो हो रहा हो 5 लाख यूरो। 5 लाख यूरो ये इस वक्त जो है पाकिस्तानी तकरीबन 8-9 करोड़ रुपया बनता है। तो जी बिल्कुल तकरीबन 9 करोड़ बन जाता है, हाँ जी, 9 करोड़ बनता है। साढ़े ठीक आठ है, नौ करोड़ हाँ, और जो मेरे बहन साढ़े भाई ये बात कर रहे हैं कितने पैसे, कितने पैसे लगेंगे वीजा लगने के, तो मैंने आपको बता दिया 9 करोड़ लगेगा, तो आपका लीगल वीजा लग जाएगा। क्योंकि ये लीगल इंफॉर्मेशन थी, मैं आपको ये नहीं कह सकता कितने लाख में आपको वीजा मिलेगा, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये इतने कितने करोड़ करोड़ में में आपको मिलेगा लीगल वीजा मिल सकता है अगर आप आना चाहो। लेकिन बाद में बात, ये मजाक ही कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि दूसरी चीज आप लोगों के पास हैं, दो सेक्टर्स हैं, और प्लीज बराए करम मुझे ये मैसेज ना करें आप लोग मैसेंजर के ऊपर, सारे जो दोस्त हैं जो भाई हैं ये मैसेज करते हैं कि जी आप कोई बंदा देखें, ये भाई हमारा काम जो है, हम आपको, आपके पास पैसे नहीं है मैं आपका दुमांदा फ्री कर सकता हूँ। ठीक है, मैं मैक्सिमम ये कर सकता हूँ। ठीक है, और जो है लेकिन बंदा जिस बंदे आपको यहाँ पे बुलाना है वो सारा आपका काम जी है भाई, वो आपने देखना है किसके थ्रू आना है क्या नहीं आना। मैं कोई बंदे अरेंज नहीं कर सकता यहाँ पर, मैं सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ गवर्नमेंट को कि जी इस बंदे ने इस बंदे को बुलाना है, दैट्स इट, मेरा काम ये है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट कोई पेपर डिमांड करती है तो वो मेरा काम है कि उन लोगों को पेपर पहुंचाना। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि जी इस बंदे को मेरे पास लेके आओ, मेरा काम है उसके पास लेके जाना, दैट्स इट, इससे अलावा मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पर। मैं जो हूँ ना ही वीजा इशू कर सकता हूँ और ना ही हमारे पास ये अथॉरिटी है। अच्छा खुरम भाई, मैंने एक सवाल पैदा होता है कि जैसे आपने कहा कि जो 2 साल के लिए अगर बुलवाना होता है तो वो मतलब उसको चाहिए होगा कि वो पहले इटली आके गया हो वापस, तो पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो तो तकरीबन 5 साल से तो उनका वीजा लगे ही नहीं है, तो फिर वो किधर जाएंगे। मैं समझ नहीं आई मुझे बात आपकी। मैंने कहा कि जैसा कि आपने कहा कि जो वापस होके गया होगा 5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर जिसने यहाँ पे सीजनल वर्क किया सीजनल होगा, काम और करके वो गया हूं, हाँ जी, तो पाकिस्तान में से तो पिछले 5 साल से तकरीबन 4 साल से कोई आया नहीं है, तो उसका फिर मतलब वो तो थोड़ा उसमें खत्म वो हो ये जाता है ना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं चीज, होगा। खत्म हो जाती है ना, ऑप्शन ही खत्म हो जाती है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए ये वाली। हाँ तो फिर इसमें इसका मतलब है कि चेंजिंग आएगी, कुछ क्योंकि कहा ये नहीं जा तो सकता, 27 अक्टूबर होनी चाहिए इसके अंदर को चेंजिंग।
होनी चाहिए इसके अंदर चेंजिंग। क्यों 18,000 का कोटा उन्होंने रखा हुआ है, 18,000 बंदे का, तो 18,000 बंदा तो मेरे ख्याल से तो इटली में शायद ही कोई बंदा हो जो 3 महीने के वीजे पे यहाँ पे आया हो, उसने काम किया हो, खेती बाड़ी का और कोई इतने नॉलेज पैसे रखा कमा हो। लिए हो, और इतने पैसे कमा लिए हो कि वापस जा सकता हूं। हाँ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शायद इसमें कोई चेंज करें आगे चल के, लेकिन फिलहाल तक ये ऑप्शन आ रही है। अच्छा और खुरम भाई, आपसे एक बात पूछनी थी कि ये जो हमारे भाई जो हैं यहाँ पे, जो एग्रीकल्चर के मतलब जो जमींदार भी हैं, और ये जो होटल्स वगैरह वाले, तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मेरी चार्जिंग जो है वो मेरे ख्याल से काम हो रही है, मैं चार्जर लगा लूँ अपना, एक मिनट मुझे जी जस्ट जी दीजिएगा। जी जी जरूर। तो नाजरीन, ये आप सुन रहे होंगे कि क्या माजरा है असल में, और जो बताया क्या जा रहा है। मैंने तो पहले दिन से यही बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन में पाकिस्तान का कोटा इंडिया का कोटा इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वहां का जो लाइसेंस है वो कन्वर्टेबल नहीं है। तो ये मैंने मेरे ख्याल है 3 4 दिन पहले या 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि कौन कौन सा मुल्क और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो मैंने इसमें पहले से आपसे ये शेयर किया था कि जो ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है उसमें पाकिस्तान इंडिया वगैरह नहीं आ सकते। तो अपना हुरम भाई ने भी इसकी सारी वजाहत कर दी, आप सब लोगों ने सुना होगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो जो लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं उनके सवालात को भी लिया जाएगा। जितने भी ये सवालात आ रहे हैं आपके, पहले हम लोग ये जो हमारा इंफॉर्मेशन वाला जो सिलसिला है वो हम पूरा कर ले, के क्योंकि बहुत सारे सवालात वही मैं कर रहा हूँ अपने हुरम भाई के साथ जो मुझे रोजाना की बेस पे आप लोग वो सेंड करते हैं। तो अब जो बाकी भी आपके ये जो सवालात आ रहे हैं वो एंड पे हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो इंफॉर्मेशन वाला सिलसिला है कि ये चीज क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और इसमें तालीम की कैद कितनी है, उम्र की कैद क्या है, उस पे अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं फोरम भाई से। तो जितना ज्यादा फायदा हो उठा सकते हैं हम लोग इनकी जो हाजिरी है उसके साथ मैं उठाना चाहूंगा। तो फोरम भाई, इसमें उम्र और तालीम की कोई कैद है क्या जो बंदा आ रहा है? मैच्योरिटी होना चाहिए, यानी कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए बंदे की जिसने काम करने आना है। और जो है उसके अलावा तालीम की तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई कहीं पे भी, और ना ही फॉर्म के ऊपर कोई उन्होंने कहा है कि जी इस चीज़ का कोई एक्सपर्ट हो बंदा तो ही आ सकता है। कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है फॉर्म के ऊपर भी, और जो दिक्रेतो है जो गजेता ऑफिशियल आया है उसके अंदर भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई। अच्छा हुरम भाई, वो आपने मतलब एक थोड़ी सी बात करके हम लोग आगे निकल गए थे, वो जो प्रोफेशनल वाला कह रहे थे कोटा आपके डॉक्टरेट करने बंदे आ सकते हैं, या हाँ क्या जी, उसके अंदर वो जो है डॉक्टर डिफरेंट किस्म के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो है वो सेक्टर्स दिए हुए हैं उन लोगों ने, ठीक है। वो तो ये है कि जो वहाँ पर इस वक्त मास्टर्स कर रहे हैं लोग और जो डॉक्टरेट कर रहे हैं या जो रिसर्च सेंटर्स के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है, वो लोग अपना कोई प्रोफेशन बताएं, उस प्रोफेशन को हम लोग जो है वो लिस्ट के अंदर देखें कि आया कि उनका प्रोफेशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, सेक्टर के अंदर वो वाला प्रोफेशन है, तो फिर उनके से बात की जा सकती है कि जी ठीक है आप लोग अप्लाई कर लो, ठीक है। उसके अलावा नहीं है जो है, तो उसके अलावा हम लोग यूं इंफॉर्मेशन ही दे सकते हैं कि जी फलाना सेक्टर है फलाना नहीं है। उन्होंने जी जी रिसर्च एंड बिल्कुल डेवलपमेंट के अंदर प्रोफेशनल्स मांगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस सेक्टर के अंदर है वो देखनी पड़ेगी, जो लोग वहां पर पढ़ रहे हैं वो प्रोफेशनल वीजा तो हैं। जी खुरम भाई, वो तो मतलब वो तो किसी वो दीता वगैरह या फिर ये जो कंपनी है उसके थ्रू तो नहीं ना करेंगे, वो तो करेंगे, उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा, और उसका तरीकाकार क्या होगा? नहीं, उसके अंदर भी कुछ कंपनीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, उसके अंदर भी कंपनी इन्वॉल्व होती है प्रोफेशनल वीजा के अंदर भी। कंपनी जो है वो ये कहती है कि या कोई यूनिवर्सिटी जो है या कोई कंपनी जो है वो ये कहती है कि जी हमें ये बंदा जो है वहां से चाहिए, हम लोग जो है इसके साथ मिलकर फलानी चीज पर रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। अब जिसका मेरा कजन है वो यहाँ पे डॉक्टरेट करने आया है, ठीक है, और इतनी बंदे की तनख्वाह नहीं होती जितनी उसको वजीफा मिल रहा है यहाँ पर, जिसको पाकिस्तान में वजीफा बिल्कुल कहते हैं ऐसा। यहाँ पर, ठीक है। वो डॉक्टरेट कर रहा है यहाँ पर ब्रेशिया यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, और
काम किया, उसको ऑफिस मिला हुआ है, वो रिसर्च करता है, 1300 यूरो उसको देते हैं पढ़ने का यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि जो प्रोफेशनल लोग हैं बेसिकली, अगर आप उससे पूछो, उस लड़के से पूछो कि भाई तूने यहाँ पे रहना है, तो वो कहता नहीं भाई मैंने नहीं रहना, मैंने पाकिस्तान वापस जाना है। जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा, जिनका तालीमी काबिलियत है, वो अपने आप को कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान में सेटल करें, ठीक है, वो लोग वापस जाना चाहते हैं। और उन लोगों में बहुत कम जो लोग हैं वो इटली आना, क्योंकि इस तरह के ज्यादा लोग जो हैं वो जाना पसंद करते हैं यूके वाली साइड पे, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया उस साइड पे जाना पसंद करते हैं। इटली में आना जो है वो इतना उसको जो है जी, ना यहाँ पे प्रेफर असल नहीं। में पसंद की तो वो बात, वो थोड़ी मैं उससे आपसे इख्तलाफ करूंगा, कुछ सिर्फ मसला जो है ना वो बैरियर लैंग्वेज है बस। हाँ, आप ये भी कह सकते हो, इटालियन लैंग्वेज भी कह सकते हो, लेकिन मुझे ये बात पता है कि भाई जिस बंदे को इंग्लिश आती है ना, जिस बंदे को इंग्लिश आती है वो बंदा यहाँ पे जुबान बहुत जल्दी सीख जाता है। जिस बंदे को जी जी इंग्लिश आती है उसके बिल्कुल लिए इटालियन जो है वो मुश्किल नहीं है। जी, मैं अपने फर्स्ट, मैं भी यही लोगों को कहता हूँ कि जो बंदा इंग्लिश पढ़ना जानता है ना, जिसको इंग्लिश पढ़ने आती है, बहुत अच्छे ट्रांसलेटर हैं इसमें, एप्लीकेशंस हैं फोन में। इसके अलावा जिसको मैं कहता हूँ कि जिसको ना इंग्लिश पढ़ने आती है ना, वो इटालियन जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कर सकते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पे बहुत मैं से आपको दोस्तों एक चीज को बता दूं, ये एक यूरोप की ऐसी जुबान है जिसको जिस तरह लिखा जाता है उसी तरह पढ़ा जाता है, ठीक है, स्पीच भी इसी तरह है। यानी कि आप जो स्पेलिंग लिखोगे ना, अगर आपने लिखा है ना YOU, तो आप उसको यू ही पढ़ोगे, ठीक है। अगर आपने लिखा है ना लेटो, ठीक है, तो LETO अगर पढ़ोगे तो उसको लेटो ही पढ़ोगे आप। लेकिन अगर आप फ्रेंच वाली साइड पे चले जाओ तो उसके अंदर बहुत ज्यादा आपका जो कॉम्प्लिकेट। प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो डिफरेंट है, ठीक है। आप लिख कुछ रहे होते हो, पढ़ कुछ रहे होते हो। अगर आप जो है जर्मन वाली साइड पे चले जाओ तो टेडेस्को जो है वो बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। उसके अंदर जो है वो, अगर आपने किसी को, उनका एक तो एक्सेंट जो है वो बहुत फोर्थ है, और जो है उसके अलावा जो लिखते हैं वो पढ़ते नहीं है वो, ठीक है। तो वो बड़ी चीजें आ जाती हैं उसके अंदर। इटालियन सीखने का इसमें जो है लैंग्वेज का ये होता है कि आप जिस तरह लिखते हो उस तरह पढ़ते हो, और सेम टाइप इंग्लिश है। इंग्लिश ही इंग्लिश बन जाती है, सिर्फ जो है टी को ती बोलना है आपने, और बाकी चीजें जो है तीन वो चार ई लफ्ज को। ऐसे हैं जी जी हाँ जो सीख लो तो बंदा प्रैक्टिस करता जाए, अखबार पढ़ो और इस तरह की चीजें जितनी ज्यादा हो सकती है पढ़ते जाओ तो बिल्कुल बंदा वो जल्दी से इसको लिखना और पढ़ना सीख जाता है। तो बिल्कुल अभी भाई, अब ये जो है आपके सवाल आए हुए हैं यहाँ पे काफी ज्यादा। जी, वो अभी सवालात लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक भाई है हारून भाई, उन्होंने कहा है कि जी लुकमान भाई मोबाइल फोन सेक्टर, भाई मोबाइल फोन सेक्टर नहीं है इसके अंदर। उसके अलावा जो है कोई है फातिमा शहजादी, फ्री कैसे कर सकते हैं आप? हाँ, वो मैंने जो फ्राई फ्री की बात की थी उसके अंदर, ये मैं आपको बता दूं कि फ्री की बात जब मैंने की थी उसका मतलब ये है कि आप लोग अगर कोई बंदा ढूंढ लेते हैं, अगर आप लोग गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है हमारी कंसल्टेंसी फीस देने के, ठीक है, अगर आप कोई बंदा ढूंढ लेते हो जिस बंदे ने आपके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, तो वो अप्लाई हम कर देंगे, दैट्स इट। उसके बाद जो है आगे या किस्मत या नसीब। आगे तो राणा इसरार साहब पूछ रहे हैं, सर फैक्ट्री वाला कोटा भी है इसमें? नहीं भाई, फैक्ट्री वाला कोटा नहीं है इसके अंदर। आर्तिजानो मोरातोरे भी अप्लाई कर सकता है शहजाद भाई। आर्तिजानो मोरातोरे, मोरातोरे इसमें है, आर्तिजानो भी है, मोरातोरे भी है, ठीक है। लेकिन यह है कि आप लोग अपना विजूरा चेक करवाओ, जो आपका कोडिचे अतेको लिखा हुआ है आपके विजूरा का मेराले के ऊपर, वो चेक करवाओ, वो हम लोग जो है उसको कर सकते हैं। विजूरे के ऊपर कोड लिखा होता है उसको हम इंशाल्लाह ताला वो कर लेंगे, देख लेंगे जिस तरह भी आपके जवाब आगे दिया मैं। आगे जी, इटली में ये जो मीट का काम करते हैं, क्या उनके लिए भी ये कुछ है? भाई मैंने पहले एक चीज बताई है कि आप लोग सेक्टर्स पूछ रहे हो मुझसे, ठीक है। सेक्टर्स पूछने का मतलब यह है कि जी मैं एक काम करता हूँ
और आप मुझे बताओ मैं बंदा बुला सकता हूँ क्या? नहीं, अगर सेक्टर्स की बात करते हैं ना, सेक्टर्स मैंने आप लोगों के सामने भाई क्लियर कट बता दिए हैं। तीन किस्म के सेक्टर्स हैं, दो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर पाकिस्तान से बंदा आ सकता है। एक है होटल्स रेस्टोरेंट्स और दूसरा आ जाता है कंस्ट्रक्शन, दैट्स इट। इसके अलावा कोई सेक्टर नहीं। हाँ, अगर आपने फिर भी चेक करवाना है अपना विजूरा, तो आप भाई को भेज दो, मुझे भेज दो, हम लोग जो है वो चेक कर देंगे विजूरा आपका, कि जी आपका कोड जो है वो शो हो रहा है कि नहीं। उसके अलावा नहीं आ रहा कोई कोड्स जो उसके हैं उसके बाद अंदर। एक और सवाल आ रहा है जी, पाकिस्तान में वीजा लगने के कितने चांसेस हैं? भाई अगर आपके यहाँ से डॉक्यूमेंट्स ठीक निकलते हैं, ठीक है, आपका नलोस्ता निकलता है और कोटे के ऊपर निकलता है, तो आपको मैं कह सकता हूँ कि 85-90% चांसेस है आपका वीजा लगेगा, ठीक है आगे उस। फातिमा शहजादी साहिबा पूछ रही हैं कि जो डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, जो जिस जिस बंदे ने अप्लाई करना है, मेरा ख्याल है जिस उसमें सिर्फ बंदे ने अप्लाई पासपोर्ट कर, चाहिए था। जो उसका तो सिर्फ पासपोर्ट चाहिए जिस बंदे ने अप्लाई करना है, और जिस बंदे ने आपको यहाँ पर बुलाना है वो बंदा यहाँ पर इटली में होना चाहिए, उसके इन दो सेक्टर्स के अंदर कंपनी होनी चाहिए और उसके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो हम लोग रिक्वायर्ड करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है यहाँ पर इटली में, तो आप उसका रब्ता भाई से करवा सकती हो और वो भाई जो है वो उसको सारा जो है वो पूरा प्रोसेस देख लेंगे। जी, इंशाल्लाह। तो लोग पूछते हैं कि बहुत सारे हमारे दोस्तों का सवाल है जो पाकिस्तान में हैं, और पूछते हैं कि वो कैसे अप्लाई करना है। तो उनसे मेरा तो जवाब यही है कि उनको एक बंदा इधर जो है मिडवॉकर चाहिए, जो कि जो अगली कंपनी है वो भी रिलायबल है उसको देख ले, और जो कंपनी है वो उस पे जो दरमियान वाला बंदा है उस पे एतबार करके देख ले कि ये जो आने वाला बंदा है वो रिलायबल है या नहीं है। तो जिसका बहुत से दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कहते हैं, हुरम भाई जो पूछते हैं कि हमारा वहां पे कोई भी नहीं है, तो हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए उधर से? हाँ भाई, कबाब वाला कर सकता है भाई, अपना विजूरा कमेराले चेक करवाएं, जो है भाई को भेज दें, मुझे भेज दें, मैं आपका विजूरा चेक करके बता दूंगा कि आपका कोड जो है वो इसके अंदर है कि नहीं। कहाँ से चेक करना है भाई, वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप लोग विजूरा हमें भेजो, हम आपको चेक करके बताएंगे। रेडी तो ये कितनी होनी 22 चाहिए अक्टूबर भाई? से पहले पहले करना है ना, ये जो केबाब वाला, ये 22 अक्टूबर से पहले पहले? जी, ये सारे फिलिंग जो है 22 अक्टूबर से पहले करें, ताकि 22 को आप इनवायर कर सकें। अच्छा जी, रेडी तो चौधरी अमजद अली जो है वो पूछ रहे हैं कि रेह भी तो कितनी चाहिए। तो वो अगर उन्होंने भाई सारा प्रोग्राम देखा होता। मैंने बताया पहले कि रेडी तो की कोई ऑप्शन नहीं लिखी हुई उसके ऊपर, कि इतना रेडी तो हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 1 साल पुराना दीता नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, एक परसून तो रेडी तो कमर्शियल हिस्से से बनवा कर। अगर आपका 1 साल पुराना दीता है, आपने पिछले साल अपना रेडी तो, इस साल भी अपना रेडी तो बनवाया है पिछले साल का, तो आपको दो तरह की चीजें डिमांड कर रहा है फॉर्म के अंदर, एक आपका फतुरातो पिछले साल का और एक आपकी इनकम जो थी पिछले साल की। ये दो इनकम जो है वो फॉर्म के अंदर लिखनी है आप लोगों ने, ठीक है। और अगर आपका दीता इस साल खुला है, तो आपको सिर्फ कमर्शियल हिस्से के पास जाओ, उसको कहो जी मुझे परसून तो रेडी तो बना दो साल की, वो जो है आपको बना देगा, आप उसके ऊपर अप्लाई कर दो। बाकी रेडी तो कितनी होनी चाहिए तो भाई इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। अगर हम लोग सनातोरिया की एग्जाम्पल लें तो उस हिसाब से देखा जाए, तो जो अकेला बंदा फैमिली के साथ रहता है उसके लिए 20,000 की है, अगर उसकी एग्जाम्पल उठा लें। और अगर आपके पास ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं तो 20-25-30-40 हज़ार से ज्यादा की इनकम होनी चाहिए। लेकिन यह है कि रेडी तो की मैं एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आपको दे सकता, क्योंकि ये किसी तरह पे लिखी हुई भी नहीं है और उन लोगों ने जो है ना ही डिमांड की हुई है। उन लोगों ने लिखा हुआ है जो आपने कमाया वो लिख दो, दैट्स इट, उनकी ये डिमांड है, उन्होंने ये चीजें मांगी नहीं है। और दूसरा ये पूछ रहे हैं कि आपको कैसे रابطہ करना है, तो आप जो है हमें रابطہ कर सकते हैं, ये वॉइस ऑफ इटली जो पेज है इसका, इस पे आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, तो हम देखेंगे कि मतलब बंदा जो है वो कितना इंटरेस्टेड है इसमें, कि उसका वाकई कोई विजूरा वगैरह, तो फिर हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप उस पर भेज देना। तो बाकी जो है आगे अगर किसी दोस्त ने मेरे से रابطہ करना हो, तो मेरी प्रोफाइल मैं बाद में मैसेजेस के अंदर जो है आप लिंक मेरी प्रोफाइल का भी दे देना,
और अगर जी आप जी लोग जो है अपना किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरी वीडियोस बनती हैं यूट्यूब के ऊपर भी, खुर्रम सिद्दीकी के नाम का चैनल है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और फेसबुक के ऊपर मैंने अपना पेज नहीं बनाया हुआ, मेरी कंपनी का पेज है कंसल्टिंग का, लेकिन मेरी जो पर्सनल प्रोफाइल है वही है। उसके ऊपर आप लोग जो है मुझे कोई चीज़ भेजना चाहो, चेक करवाना चाहो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। खुर्रम नईम सिद्दीकी के नाम से मेरी प्रोफाइल है, बाद में भाई जो है वो शेयर भी कर देंगे उसको जी जी मैसेजेस के जी अंदर। और इसमें एक और सवाल है कि ये जो एग्रीकल्चर वाले कर सकते हैं, हाँ जी एग्रीकल्चर वाले कर सकते हैं, जो वो उनका जो प्री फॉर्म फिलिंग है वो भी चेक कर सकते हैं, और जो इसका सेंडिंग होगी वो 27 अक्टूबर की होगी। हाँ जी, एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह है कि उसके लिए शर्त यह है कि जो बंदा पाकिस्तान या इटली से पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से आना है, उसने पिछले 5 सालों में आपके पास आकर यहाँ पर काम किया हो, ये जो अभी तक का है, और अभी तक का। मंडे जी को कल ये दोबारा खुलेगी वेबसाइट, तब क्या होगा उस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते, हाँ, अभी तक ये ऑप्शन आ क्योंकि रही है कि जी पिछले 5 सालों में बंदा आपके पास काम करके गया हो, तो फिर एग्रीकल्चर के साथ वो बात कर रहा हूँ। तो फिर ही वो जो है वो आगे आ सकता है। अगर बंदे ने ये सिर्फ 5 साल का ही है या 2 साल के अंदर भी अगर कोई काम करके गया पांच तो साल ये का भी दिया हुआ है, उसका। 5 साल का दिया हुआ है। ये जो ये है जी, एक ब्रेकिंग न्यूज है कि एग्रीकल्चर के अंदर या जो सीजनल सेक्टर है उसके अंदर जो बंदा 5 साल के अंदर अंदर को एक दफा काम करके गया हो तो उसका वीजा जो है वो अप्लाई हो सकता है फिल वक्त तक। और मंडे को दोबारा ये वेबसाइट खुलेगी, उसके बाद उसमें शायद ये ऑप्शन जो है वो चेंज कर दिया जाए, तो उस पर कुछ नहीं हम लोग कह सकते, फिल वक्त तक जो है वो यही इनकी शर्त है। और जैसा कि हुरम भाई ने बताया कि जो कोई भी यहाँ पे आता है वो अभी तक इन्होंने भी नहीं सुना और मैंने भी नहीं सुना कि वापस गया हो ये, क्योंकि अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एजेंट माफिया भी है, हमारे अपने बंदे भी होते हैं जो काफी सारे पैसे लेके तो फिर ही आपको ये लूला वस्ता वगैरह देते हैं, तो आपकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं होती कि आप इस पे 3 महीने के अंदर उतने पूरे कर लें कि आप वापस जा सके और इतने बिल्कुल। जो है वो आप शराफत का मुजाहरा करें। बाकी तो यह है कि मैं सारे दोस्तों को यही कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक आप सबका, और अल्लाह करे आप लोगों के जो दोस्त हैं भाई हैं उन जिनके आप लोग वीजा अप्लाई करें दो सेक्टर्स के अंदर, उनके वीजाज लगें। इंशाल्लाह और बात जहां से शुरू की थी वहां पे खत्म करना चाहूंगा, अगर भाई के सवाल वगैरह सारे खत्म हो गए हो तो। जी जी खुरम भाई आप बात करें, सवाल जितने भी बात थे तकरीबन जो सिमिलर थे वो हमने रिटेन कर दी। यही है कि भाई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस को फॉलो करें और ऑथेंटिक डिपार्टमेंट्स के पास जाएं इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अनऑथेंटिक बंदे, अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ आपको खज्जल करेंगी और कुछ भी नहीं करेंगी, ठीक है। लोग बड़े जो है सेटल्ड होकर अपने पीछे बड़ी बड़ी सीनरीज लगा कर और बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के ऊपर जो है वो लोग आकर आपको जो है बड़ी बड़े खूबसूरत ख्वाब भी दिखाएंगे, पता पुता उनको कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता उनको, सिर्फ और सिर्फ वो मलाई देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वो ऊपर वाले देखते हैं जो झाग होती है, नीचे कुछ भी नहीं देखते। जिसका काम होता है उसी को सजता है हमेशा, ठीक है। कि एक दफा जो है मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एक दफा एक ना बादशाह था, तो वो जो है उसने उसके पास ना एक नाई था पर्सनल उसका ना, वो आता था आकर ना, तो वो उसकी कटिंग शटिंग करता था, उतनी देर में बादशाह जो अपने काम शाम मुका लेता था। तो एक दिन वो नाई कहता कि मैं तेरे साथ 3-4 घंटे दिहाड़ी के गुजार देता हूँ, तो यार तू मुझे वजीर क्यों नहीं बना देता। वो कहता चल तू, मैं तो ना वजीर बना देता हूँ, तू मेरे बड़े करीब है, लेकिन तुझे एक टेस्ट देना पड़ेगा। वो कहता जी क्या। कहता है मेरे ना समंदर पे ना एक जहाज आया है, जा देख के वो जहाज कहाँ से आया है। लो जी नाई जो है वो कहता है वजीर बनना, वजीर बनना है, दौड़ के जाता है, देख के आता है, वो कहता है जी जहाज जो है वो इटली से आया है।
अच्छा आप जा देख के आ के जो है ना इसकी इंफॉर्मेशन लेके आ इस जहाज की। वो जाता है जाके कहता है जी ये इटली से आया एक ताजर जहाज है। वो कहते हैं यार ये देख के इसमें बंदे कितने पड़े बैठे हुए। वो जाता है वो जाता देख के आता है जी कहते हैं इसके अंदर 209 बंदे ताजर आए हैं। वो कहते हैं आप जा देख के आ किस चीज की तिजारत करते हैं। वो फिर तोड़ के जाता है जाके देख के आता है कहते हैं जी ये फलानी चीज की तिजारत करते हैं। वो कहते हैं आप ठहर जा। वो वजीर को बुलाता है। वजीर को कहता है मैंने सुना है कोई जहाज आया है समंदर पे। तो वजीर कहता है हाँ जी समंदर के ऊपर इटली से 2 दिन पहले एक जहाज आया है जिसके अंदर 209 ताजर बैठे हैं और 209 ताजर जो हैं वो इस चीज की तिजारत करते हैं। वो पिछले 6 महीने से सफर में थे। अगले 2 दिन के अंदर उन्होंने यहां से निकल जाना है और ईरान जाना है। वो ताजर जो है ना वो बादशाह जो है ना वो इस तरह देखता है उसकी तरफ नाई की तरफ। अच्छा कहता है तू किन चक्कर लाए ने आज ए इंफॉर्मेशन लेने वास्ते। कहता है छोड़ो जी मोला पूछ के दसो कलमा के हो जिया रखनिया ने। वो बात है कि जिसका काम उसी को साजे। तो आप लोग जो हो ये जो इंफॉर्मेशन जो फजूल की मिलती रहती है इसके ऊपर ध्यान ना दिया करो। अथेंटिक बंदे अथेंटिक ऑफिसेज आप लोगों के पास हैं वहां पर जाओ और नाइयों की बात ना सुनो। तो जो है ना अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। जितने भी दोस्त हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये स्टेप लिया और आप जो है आपने रब्ता किया और दावत दी अपने प्रोग्राम में वॉइस ऑफ इटली के। अच्छी आपकी जो है वो काविश है कि आप जो है इस तरह की अथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे जो है आगे चल के इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छी और इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग देते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया हुरम भाई आपका कि आज बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। 1 घंटा गुजर गया और पता भी नहीं चला। तो बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं उनको ये मुस्तफीद जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो पहुंच गई होगी और उनके बहुत सारे सवालात जो थे उनके जवाबात भी पहुंच गए होंगे। तो उनसे गुजारिश है कि जो भी ऑथेंटिक इदारा हो या फिर जो भी ऑथेंटिक जहाँ पे आप समझते हैं कि फलां जगह से हमें ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी उस पे रिलाय किया करें। और अगर आप समझते हैं सवालात आप जैसा कि भाई ने बताया कि हर एक जगह पे काफ ऑफिसेज है वहां से भी आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारा किसी को क्रिटिसाइज करने का बिल्कुल भी वो मकसद नहीं था। जो इंफॉर्मेशन हकीकत में है वो हम लोगों ने कोशिश किया कि आप तक पहुंच सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। तो इंशाल्लाह गाय बगाए हम लोग हुरम भाई को तकलीफ देते रहेंगे इस चैनल पे और इस आगाही के लिए। हम इस जरूर जो प्रोग्राम है जजाकअल्लाह। इसका नाम ही आगाही इंशाल्लाह रख देंगे। और जितने भी हमारे दोस्त देख रहे हैं ये अपने तक इंफॉर्मेशन ना रखिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो आखिर में बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से भी। और 22 अक्टूबर और 27 अक्टूबर की जो डेट जैसे वोट पाकिस्तान में डालते हैं इस लिहाज से जो पोलिंग स्टेशन है उसकी तैयारी शुरू कर दें और 22 को और 27 को अपने वोट जो है वो डालने हैं। तो तब तक जो भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो उस पे हम लोग आपको आगाह करते रहेंगे। जजाकअल्लाह तो ब्रदर इंशाल्लाह ताला मोहसिन भाई राबता रहेगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सब ओके दोस्तों को फिर आखिर में अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम।